एंड वेलकम है मनीषा, स्वागत है आपका टुडेज की दुनिया में, जहां आपका होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। कोविड 19 के बाद जहां लगातार निर्माता निर्देशक फिल्मों के बजट और कास्ट में कटौती के हैं, वहीं कुछ निर्देशक इन सबसे पड़े दर्शकों के शानदार मनोरंजन के लिए योजना बनाने में जुटे। जी हां दोस्तों, आने वाले साल के लिए कई बड़ी फिल्मों के बीच जो चर्चा में है वो है प्रभास की आदि पुरुष। सैफ अली खान ने इस फिल्म में एक बड़ी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जैसा आप लोग जानते हैं कि इस ऐतिहासिक फिल्म का जो बजट रखा गया है वो 400 करोड़ है। वहीं निर्देशक ओम रावत भी अब आदि पुरुष को लेकर भी इसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। इस फिल्म को ओम रावत डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले अजय देवगन और काजोल के फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को डायरेक्ट किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन आदि पुरुष में भगवान शिव का रोल करने वाले हैं। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो तानाजी के बाद एक बार फिर ओम रावत और अजय देवगन साथ होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि वैसे एक तरह से ये फिल्म जो है तानाजी के कलाकारों की रियूनियन हो जाएगी। जी दोस्तों, क्योंकि सैफ अली खान ने तानाजी में भी विलन का रोल किया था। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रभास की ये 22वीं फिल्म होगी जो एक्शन और ड्रामे से फुल होगी। गौरतलब है कि रामायण की इस कहानी को ओम रावत सीडी में ला रहे हैं, जो एक शानदार प्रोजेक्ट है। हीरो और विलन की फाइट, हीरो और विलन यानी कि प्रभास और सैफ अली खान के किरदार आपस में फिल्म में फाइट करते हुए भी दिखाई देंगे। इस फिल्म की कास्टिंग में अजय देवगन का भी नाम सामने आया। खबर आ रही है कि आदि पुरुष का बजट अपने आप में ये साबित करता है कि स्क्रीन पर फिल्म का स्केल कितना बड़ा होने वाला है। आदि पुरुष को लेकर निर्देशक ओम रावत ने एक वेबसाइट से बातचीत में कहा है कि भारत की सबसे बड़ी फिल्म होगी जो कोविड 19 के बाद सिनेमा घर में रिलीज होगी। क्या दोस्तों, ऐसे VFX का इस्तेमाल होगा जो कि किसी भारतीय फिल्म में पहले नहीं देखा गया होगा। बता दें कि आदि पुरुष फिल्म आने वाले साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक होने वाली है, जो भिन्न भाषाओं में होगी रिलीज। या दोस्तों आपको बता दें कि ओम रावत ने ही अजय देवगन की तानाजी का निर्देशन किया था। फिल्म जबरदस्त हिट रही थी और इसने कई रिकॉर्ड भी तोड़े थे। वहीं अब आदि पुरुष में दोनों की जोड़ी जो है एक बार फिर साथ नजर आएंगी, लेकिन ये फिल्म भी उतना ही धमाल मचाती है या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज।